सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2024 सीजन के शुरुआती चरण के दौरान कम स्ट्राइक रेट के लिए आरसीबी स्टार विराट कोहली की कड़ी आलोचना की थी। आरसीबी ने टूर्नामेंट में अपने पहले 8 मैचों में से 7 गवाए और कोहली इन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें टीम के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट पर लगातार चर्चा हुई। इस आलोचना के बाद आरसीबी के स्टार विराट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। अब एबी डिविलियर्स ने इस चर्चा को और तूल दे दिया है। उन्होंने कहा कि विराट की आलोचना होते देखना उनके लिए सुखद नहीं था। डिविलियर्स ने जियो सिनेमा पर बातचीत में कोहली के खेलने के अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि टीम के साथियों के लिए उनका संदेश होगा कि विराट को कुछ मत कहो क्योंकि आलोचना से उनका बेस्ट प्रदर्शन निकलता है। डिविलियर्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगा कि ये बहुत बुरा है कि देश के हीरो और रोल मॉडल जैसे किसी व्यक्ति की इतनी आलोचना हो रही है, लेकिन उनके बारे में मैं निश्चित था और ये बात मैंने अपने शो में भी कही। आपको ये नहीं पता कि आलोचना होने पर इस व्यक्ति का क्या होता है। मैंने जितने साल उनके खिलाफ खेला है, मैं टीम के रूप में खिलाड़ियों से कहता था कि आप मैदान पर विराट से एक शब्द भी ना कहें क्योंकि वो मैदान पर आएंगे और अगर आप उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो शतक बना देंगे। शायद ये एक वरदान था कि उन्हें थोड़ी बहुत आलोचना मिली क्योंकि इस तरीके की चीजें बहुत प्रेरित करती हैं। डिविलियर्स ने T20 विश्व कप में विराट की भूमिका पर चर्चा की। उनका मानना है कि विराट को नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। डिविलियर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि वो तीसरे नंबर के बल्लेबाज है और यहीं पर उनका प्रभाव सबसे अधिक है। वो जहां भी खेलते हैं बल्लेबाजी टीम में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं। वो बल्लेबाजी इकाई में धैर्य और धैर्य बनाए रखते हैं। मैं जानता हूं कि विराट खुद भी ओपनिंग का लुत्फ उठाते हैं, जो कि शानदार बात है। हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिसने कई सालों तक खेला है। उसे अपने खेल की अच्छी समझ है और वो जानता है कि उसे इससे क्या चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं विराट की जो आलोचना अंबती रायडू और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी कर रहे थे, अब ये साफ नजर आ रहा है कि एबी डिविलियर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।